मुझे अपेक्षा है कि आप सब सुरक्षित हैं। दोस्तों आपको पता है कि हम मॉलिकुलर बेसिस के अंदर हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का एक सेंट्रल डोगमा है। व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। नाम बड़ा है मतलब इसका बक्का भी छोटा है कि सेंट्रल आइडिया क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत जड़ प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का जनरल और सेंट्रल डोगमा क्या है वो ये है कि डीएनए जो होता है ना उसके ऊपर जीन होता है और इस जीन से एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? जीन से डीएनए के ऊपर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है। डीएनए पे जी व्हाट यू से जीन है और उस जीन पे डीएनए के जीन पे एमआरएनए बनता बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन 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 डीएनए पे एमआरएनए बनता बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से एमआरएनए पे मैसेज आ गया जीन का कि मुझे इस प्रकार का प्रोटीन चाहिए। तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वो मैसेज डीएनए का लेकर के आया साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में उसका मैसेज पढ़ा जाता है, रीड होता है राइबोसोम के अंदर टीआरएनए की मदद से। ओके, वो मैसेज रीड होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की मदद से और उसके हिसाब से एमएनए सीक्वेंस ला के जोड़े जाते हैं बाय आरआरएनए राइबोसोम आरएनए को जोड़ करके एक लंबा सा प्रोटीन बनाता। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और ये जो एक लाइन है वही सेंट्रल डोगमा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। बड़ा सिंपल है कि भैया डीएनए पे आरएनए बनाओ और एमआरएनए से प्रोटीन बनाओ, पढ़ करके कि भाई कौन सा प्रोटीन लिखा है उस तरह का प्रोटीन डिजाइन करा जाता है। एमआरएनए मैसेज लेके आता है तो डीएनए से एमआरएनए को मैसेज कॉपी होना इस ट्रांसक्रिप्शन, ये कार्यक्रम न्यूक्लियस के अंदर होता है। इस कार्यक्रम के लिए डीएनए पार्शियली रेप्लिकेट भी होता है, पूरा रेप्लिकेट नहीं होता, पार्शियल अंशतः। और एमआरएनए जो है वो फिर साइटोप्लाज्म में आता है एंड उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होता, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने का नाम है। प्रोटीन एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। उसके पहले जो पत्र लिखा जाता है कि मुझे किस प्रकार का प्रोटीन चाहिए, उस पत्र लिखने की प्रक्रिया इज द ट्रांसक्रिप्शन। ये पत्र जनुकीय पत्र जेनेटिक लेटर लिखा जाता ऑन द डीएनए इन द न्यूक्लियस, ऑन द डीएनए इन द न्यूक्लियस, ऑन द डीएनए इन द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शन। कहां होता भैया ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए पे। डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनता? एमआरएनए। एमआरएनए कहां पे आता? साइटोप्लाज्म में। उसके साथ क्या होता? उसका ट्रांसलेशन होता, बोल के प्रोटीन बन जाता। इसी को बोलते सेंट्रल आइडिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। This is the central line for protein synthesis. This is central dogma for protein synthesis. तो ये total process दो step में हो रही है protein synthesis की। पूरी process हमने देखा अभी central dogma में। पहली step is the transcription और दूसरी step is the translation. Protein synthesis के दो step पढ़ रहे दोस्तों। प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा दोस्तों? एमआरएनए। और ट्रांसलेशन से क्या बन रहा दोस्तों? प्रोटीन। डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता। डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बनता, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता दोस्तों। तो हमको ये देखना है पहले कि ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता, किसके साथ होता, किस तरह से होता, एंड ऑल दीज थिंग्स। पहली बात, मान लो ये वाला कोई डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, डेफिनेटली यू नो बेटर, आपको अच्छी तरह से पता है कि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। और इस डीएनए पे जीन्स बैठे होते हैं, उन बैठे होते दोस्तों जीन्स बैठे होते। मान लो अब सारे जीन्स एक साथ लक्षण
नहीं बताते, कुछ बताते कुछ नहीं बताते। इस तरह से मान लो कोई ये जीन है, यहाँ से यहाँ तक जीन है और इसको अपना लक्षण बताना है, तो इतना हिस्सा डेफिनेटली जीन डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए का टुकड़ा है, सिर्फ इतना ही हिस्सा क्या होता, रेप्लिकेट होता। मैं एक मोटा मोटी बात बता रहा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कैसा होता है। ये सारा कार्यक्रम न्यूक्लियस, बोर्ड बोले तो न्यूक्लियस समझ लो, बोर्ड इज ए न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये जो हिस्सा है इस तरह से फुग्गा बनाता, इस तरह से वहां पे एक फुग्गा बन जाता। बोले तो क्या हुआ, सिर्फ इतना ही हिस्सा रेप्लिकेट हुआ, यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, दो धागे अलग हुए। अब इन दो धागों में से एक धागे पे आरएनए बनता है, जिस धागे पे आरएनए बनता उसका डायरेक्शन 3'5' होता है। आप समझ गए, उसका डायरेक्शन क्या होता है, 3'-5'। सो ये जो है दोस्तों, दिस इज एक्चुअली द ओके प्रोसेस कि जीन जो है वो डबल स्टैंडर्ड, इसका दोनों धागे अलग होते। अब इसको पत्र लिख के देना है तो ये पत्र दो में से एक धागे पे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं दोनों धागे कॉपी नहीं होते हैं। एक धागा मान लो ये 3'5' धागा है, ये असेंडिंग धागा या डिसेंडिंग धागा सपोज, तो इस पे आरएनए बनता है, ये इस तरह से आरएनए बनता है। बाद में कुछ प्रोसेसेस है, स्टेप्स है, इसके बाद में ये आरएनए एमआरएनए बन जाता है। तो उसके बाद ट्रांसलेशन शुरू होता, पहले ये प्रोसेस होता, कहाँ हो रहा, न्यूक्लियस के अंदर, किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, डीएनए के जीन के ऊपर। जो जीन ये प्रोसेस कर रहा उस जीन को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अब मान लो यहां पर भी एक जीन है, लेकिन ये जीन ऐसी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं कर रहा, तो ये सिस्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ जीन। जिस जीन के ऊपर एमआरएनए बनाया जाता वो सिस्ट्रॉन बन जाता है, वो जीन सिस्ट्रॉन है। जीन के दो धागों में से एक धागे पे ही एमआरएनए बनता है, जिस धागे पे बनता वो धागे का डायरेक्शन 3'5' होता है। उस धागे को हम बोलते कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला, सॉरी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है जिस धागे पे एमआरएनए बन रहा उसका डायरेक्शन 3'5' होता है। जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है दोस्तों, वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड is antisense strand जिस पे mRNA बनता वो antisense है, जिस पे mRNA बनता वो non coding है, जिस पे mRNA बनता वो template strand होता है। ये सब एक ही के नाम है, template strand। फिर से एक बार बता रहा मैं, जीन के दो धागे हैं, दो में से एक धागे पे mRNA बनता है कि नहीं, the strand on which mRNA is constructed, the strand on which mRNA is constructed is the antisense strand, template strand, 3'5' strand is non-coding strand। ये जब भी आपको आए कि जीन के दो धागों में से किस धागे पे mRNA बनता, तो ये एक ही धागे के नाम है ये सब। जिस धागे पे mRNA बनता उसका डायरेक्शन 3'5' है, जिस धागे पे mRNA बनता वो धागा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, जिस धागे पे mRNA बनता वो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो 3'5' स्ट्रैंड है। कई लोग यहीं पे अटक जाते हैं। अब जिस धागे पे RNA नहीं बनता, सपोज इस पे बन रहा इस पे नहीं बन रहा, तो जो जिस पे नहीं बनता वो स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। और उसका एक नाम, इट इज सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। उसके डायरेक्शन के बारे में जानकारी दो, डायरेक्शन इज 5', इट इज 3', डायरेक्शन इज 5', 3'। तो 5'-3' वाला धागा इज अ सेंस स्ट्रैंड, वो कोडिंग स्ट्रैंड है। मान लो इस पे mRNA बन रहा तो ये एंटी सेंस हुआ, इस पे नहीं बन रहा तो ये सेंस हुआ, इस पे बन रहा, इस पे mRNA बन रहा तो ये हुआ You are non-coding, तो ये हुआ coding, 5'-3' coding है। The opposite strand of the antisense strand, on this strand of gene, no formation of mRNA, mRNA इस पे नहीं बनता है। अब दोस्तों, ये जो mRNA बनने की प्रोसेस है वो काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम इसको ट्रांसक्रिप्शन के
फॉर्मेट में एक बार इसको पढ़ेंगे कि एक प्रोसेस होती कैसे है, हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स। आपको अच्छी तरह से पता है कि mRNA जो है वो एक पॉलीमर है, RNA इज अ पॉलीमर, DNA ऑल्सो इज अ पॉलीमर, तो इनको बनाने वाले एंजाइम्स पॉलीमरेज होते हैं। DNA को बनाने वाला DNA पॉलीमरेज, RNA को बनाने वाला RNA पॉलीमरेज, और ये पॉलीमरेज एंजाइम DNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज, दे आर DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज या DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सारे पॉलीमरेज एंजाइम जो DNA या RNA के वो DNA डिपेंडेंट है, मतलब DNA के ऊपर बनते हैं। और एक बात याद रखना, ये पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा सिर्फ 5-3 डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, मतलब जिसपे बनेगा धागा वो 3-5 का होगा और जो एंजाइम का डायरेक्शन है वो 5-3 का होगा। दोस्तों मान लो ये वाला वो जीन है, ये वाला वो जीन है, और ये जो है उस पे mRNA बनने वाला है। दोस्तों पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से चलती है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या बन रहा है, एक धागा 3'5', दूसरा धागा 3'5'3', एक धागा 3'5', दूसरा 5'3'। ये 3'5' वाला धागा विल बी नॉन कोडिंग, मतलब इस पे mRNA बनेगा, और जो 5'3' वाला है इट विल बी कोडिंग, इस पे नहीं बनेगा। क्लियर? अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन mRNA बनने की जो प्रोसेस है, पहली बात बता दूं जो बनेगा वो डायरेक्ट mRNA नहीं रहता, वो HNR में रहता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, बाद में लास्ट को mRNA बनता है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के द्वारा ऑपरेट होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किट, ट्रांसक्रिप्शन किट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन हिस्से पड़ते हैं, एक प्रमोटर साइट, दूसरा इट इज स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा इज द टर्मिनेटर साइट, मतलब टर्मिनेटर एंड। प्रमोटर साइट ये वाली है जहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है, ये रहा आपका प्रमोटर साइट, दिस इज सपोज प्रमोटर साइट। एंड ओके, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड को या फिर नॉन कोडिंग के 5' एंड को देयर इज द टर्मिनेटर साइट। जो रेफरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो कोडिंग का लेते हैं, बनता mRNA नॉन कोडिंग पे, लेकिन दिशा के लिए रेफरेंस लेते कोडिंग का, याद रखें। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से कंप्लीट होता, और इस यूनिट के तीन हिस्से बनते हैं। कितने हिस्से बनते हैं दोस्तों? तीन हिस्से। पहले वाले तीन हिस्से बोलो एक बार, प्रमोटर साइट, दिस द प्रमोटर साइट, ओके, द टर्मिनेटर साइट, दिस द टर्मिनेटर साइट, ओके, नॉन कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड के, ये तो नॉन कोडिंग है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है? कोडिंग, कोडिंग या फिर सेंस, सेंस स्ट्रैंड के डायरेक्शन को इस्तेमाल करना। प्रमोटर साइट कहां है बताओ? सेंस के 5' एंड। ये जीन है भैया, ये जीन है, जीन है, जीन है, ये जीन है, इसका पत्र हमको लिखना है mRNA पे। उसके लिए पहले mRNA को शुरू करना होगा, फिर कंटिन्यू करना होगा, यहां से एंड करना होगा। शुरुआत mRNA बनने की, शुरुआत mRNA बन रहा है और यहां mRNA खत्म हुआ, तो इसको मैं नाम देता, दिस इज प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट, इस पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां चिपकता है और वो फिर इधर पढ़ते पढ़ते जाता है, जिसको पढ़ रहा है वही मेन जीन का हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और ये पॉइंट जहां पे आरएनए बनने की प्रोसेस स्टॉप होती है, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर साइट। तो प्रोसेस शुरू कहां हो रही? प्रमोटर साइट को। प्रोसेस कंटिन्यू कहां हो रही? स्ट्रक्चरल जीन पे। यही वो एरिया है जहां भाषा, जिसकी भाषा, जिसकी लैंग्वेज mRNA की उतरती है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, माने पत्र इस एरिया से लिखा जा रहा,
यहां और यहां, यहां चिपकाया जा रहा आरएनए पॉलीमरेज, यहां आरएनए पॉलीमरेज अलग हो रहा, आरएनए पॉलीमरेज चिपक रहा, प्रोसेस शुरू हो गया आरएनए बनने की, यहां खुला अलग हो रहा, मतलब आरएनए बन चुका है, चिपक रहा खुला हो रहा बीच में बन रहा। भैया आरएनए जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसको बनाने के लिए एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, उस पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज की खासियत है कि वो हमेशा फैडेस्ट फैडेस्ट डायरेक्शन में काम करता है। अब बोलेंगे ये तो 3-5 है, अरे भैया 3-5 है तो इसके ऊपर जो धागा बनेगा वो 5-3 का बनेगा ना, इसका मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री धागा होगा ना, जैसे कि ये वाला है, थोड़ी देर के लिए ये दो अलग हो गए, मैंने बताया ना वहां फुग्गा बनता, ये अलग हो, फिर इसके यहां पे चिपकेगा, यहां पे छूटेगा, चिपकाने के लिए सिग्मा फैक्टर का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और छोड़ने के लिए रो फैक्टर का इस्तेमाल होता है। आरएनए पॉलीमरेज को वहां चिपकाने को प्रोमोटर साइड को सिग्मा फैक्टर, यहां से छोड़ने को रो फैक्टर। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने हिस्से है दोस्तों, 3 हिस्से है, प्रोमोटर साइड, स्ट्रक्चरल जीनोम और टर्मिनेटर साइड। प्रोमोटर साइड का मतलब क्या है, प्रोमोटर साइट को एड्रेस कैसे करेंगे हम उसका पता कैसे निकालेंगे कि सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड के फैडेस्ट एंड को प्रोमोटर साइट है, प्रोमोटर साइट दोनों एंड को हम जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली आरएनए बनेगा इस पे, लेकिन आरएनए बनने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है प्रोमोटर स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, इसमें प्रोमोटर और स्ट्रक्चर टर्मिनेटर का एड्रेस बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग का, कि भैया इसके फाइडैश एंड को प्रमोटर साइड चिपकेगा 3- फाइडैश एंड धागे को, लेकिन एड्रेस बता देते भाई इस धागे का बताएंगे, कौन चिपक रहा आरएनए पॉलीमरेज, कहां चिपक रहा 3- एंड को, लेकिन एड्रेस बताते समय ये बताते कि हम प्रमोटर साइड जो है वो इसके फाइडैश एंड की तरफ है, किसके कोडिंग की, एक्चुअली चिपक रहा नॉन कोडिंग के ऊपर, यही कायदा है बरोबर। कंटिन्यू किस पे हो रहा, स्ट्रक्चरल जीन पे, ये स्ट्रक्चरल जीन लैंग्वेज इसका नहीं आता, इस धागे का लैंग्वेज नहीं आ रहा, इस धागे का लैंग्वेज आ रहा, और एमआरएनए जो लैंग्वेज भाषा आती है वो स्ट्रक्चरल जीन की आती है। ओके, तो स्ट्रक्चरल जीन का हिस्सा हम जो बोल रहे वो 3- फैडैश स्ट्रैंड का, और इस तरह से फिर वो बढ़ते बढ़ते यहां पे आता तो एमआरएनए बनता। ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, यहां से शुरू होती यहां खत्म होती, यहां से शुरू होती बाय सिग्मा फैक्टर और वहां खत्म होती बाय रो फैक्टर, ये प्रोटीन से अलग अलग जो इसको अटैच करवाते आरएनए पॉलीमरेज को और वहां पे रिलीज करवाते दिस आरएनए पॉलीमरेज, ये सब करता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए को बनाता है। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली द ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही, ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ जीन हो रही, जो जीन के धागे पे हो रही वो 3- धागा है, उसको बोलना है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3- स्ट्रैंड इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उस पे एमआरएनए बनता है। अब इसके बनने के आगे के 3 स्टेप है, मैं वो आरएनए बनने के 3 स्टेप नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाता। थैंक यू वेरी मच।